नमस्कार दोस्तों, टेक डायरेक्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं गूगल क्रोम्स की 7 अमेजिंग ट्रिक्स के बारे में, जो कि आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों जो पहली ट्रिक है वो काफ़ी यूजफुल है, तो इसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको 3 डॉट्स आइकन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फाइंड इन पेज का, इस पर हमें क्लिक कर देना है। दोस्तों होता क्या है कि जब आप किसी वेब पेज पर या किसी वेबसाइट पर कोई आर्टिकल रीड कर रहे होते हैं, तो इस कंडीशन में ये जो फीचर है काम आता है। दोस्तों यहाँ पे आप पर्टिकुलर कोई वर्ड को फाइंड कर सकते हो और ये भी पता कर सकते हो कि ये जो वर्ड है ये कितनी बार आर्टिकल में यूज हुआ है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर टाइम वर्ड जो है फाइंड कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि टाइम जो वर्ड है वो 6 बार यूज हुआ है, तो इससे आप ये पता लगा सकते हो। तो काफ़ी ये बढ़िया सेटिंग्स है क्रोम ब्राउज़र में, अक्सर यूजर जो है इस सेटिंग्स को यूज नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो दूसरी ट्रिक है वो भी काफ़ी यूजफुल है, तो इसके लिए आपको 3 डॉट्स आइकन पे ही क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी का। इसके बाद दोस्तों आपको एक फोर्स इनेबल जूम का ऑप्शन मिलेगा। अब दोस्तों होता क्या है कि कुछ वेबसाइट जो होती हैं वो अपने पेज को जूम नहीं करने देती हैं। अब दोस्तों इस कंडीशन में इस बॉक्स पर जैसे ही आप चेक मार्क करोगे तो जो वेबसाइट जूम नहीं करने देती हैं, तो अब जो है आसानी से उस वेबसाइट को आप जूम कर सकते हो। तो इस कंडीशन में ये ऑप्शन बहुत ही काम आता है। दोस्तों यहाँ पे जो तीसरी ट्रिक है वो है सिंप्लीफाइड व्यू फॉर वेब पेजेस। अब दोस्तों इस बॉक्स पे आपको चेक मार्क कर देना है इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों होता क्या है, थोड़ा सा वैक आते हैं। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट है तो यहाँ पे आपने देखा होगा तो मिल जाएगा सो सिंप्लीफाइड व्यू। इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप जो है कोई भी वेब पेज को, किसी भी आर्टिकल को पढ़ सकते हो। तो इस ऑप्शन में ये फीचर जो है काम आता है। अब यहाँ से आप जो है 3 डॉट्स आइकन पे क्लिक करें। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से डार्क मोड भी इनेबल कर सकते हो, इसके बाद सेफिया मोड भी इनेबल कर सकते हो, और यहाँ पे आप फंट भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद ये जो टेक्स्ट का साइज है वो भी आप बड़ा या छोटा कर सकते हो। तो ये फीचर जो है काफ़ी अच्छा है क्रोम ब्राउज़र में, इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। इसके बाद जो चौथी ट्रिक है वो भी काफ़ी यूजफुल है क्रोम ब्राउज़र में, अक्सर यूजर जो है इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों एग्जांपल के लिए आप किसी वेबसाइट के वेब पेज पर आप किसी भी वर्ड को वन टैप पर आप उसे सर्च कर सकते हो नीचे की तरफ। तो दोस्तों आप किसी भी वर्ड पर आप टाइप कर दो, तो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्ड पे टाइप कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो नीचे की तरफ ये गूगल पे ऑटोमेटिक ही सर्च होने लगता है। तो आप इसको नीचे की तरफ स्वाइप अप कर दें इस तरीके से, तो आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिक ही गूगल में सर्च होने लगता है दूसरे पेज पे। तो दोस्तों ये भी काफ़ी फीचर जो है वो अमेजिंग है, काफ़ी बढ़िया फीचर है ये, इसको आप इस तरीके से हटा भी सकते हो। तो आपको पर्टिकुलर वन टैप पर ही जो है सर्च होने लगता है, आप देख सकते हो, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे जो पांचवी ट्रिक है ये भी काफ़ी अमेजिंग है। यहाँ पे दोस्तों आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स के ऑप्शन पे। इसके बाद दोस्तों आपको एड्रेसेस एंड मोर पे जाना पड़ेगा, या दोस्तों आप किसी भी फ़ोन नंबर पे जब आप किसी भी आर्टिकल पे टैप करते हो तो दोस्तों फ़ोन नंबर या एड्रेस या ईमेल पे तो वो ऑटोमेटिक ही पॉपअप देने लगता है। तो ये भी काफ़ी अमेजिंग ट्रिक है, तो यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे मैं ये वेबसाइट जो है ओपन कर रहा हूँ, इसके बाद दोस्तों होता क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ आप, ताकि आसानी से समझ जाएं। तो जैसे एग्जांपल के लिए ये जो ईमेल है इसको आप जैसे ही इस पर टाइप करोगे तो वो ऑटोमेटिक ही जीमेल का बटन जो है वो शो होने लगता है। इसी तरीके से आप किसी भी फ़ोन नंबर को
फ़ोन नंबर के ऊपर टाइप करोगे तो आपका फ़ोन का आइकन जो है, उसका बटन जो है वो आ जाएगा डायलर का। इसके बाद आप किसी भी एड्रेस पे अगर टाइप करते हो तो इसके बाद आपका गूगल मैप्स का बटन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट जो है यहाँ से मेल कर सकते हो, या अगर गूगल मैप्स पर है तो आप इसकी लोकेशन देख सकते हो। तो ये जो है ट्रिक काफ़ी क्रोम ब्राउज़र में अच्छी है। इसी तरीके से आप अगर कॉल के ऊपर टैप करते हो तो आप डायरेक्ट उस से आप कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों ये बढ़िया ट्रिक है इसमें भी। जो इसके बाद दोस्तों जो अगली ट्रिक है वो दोस्तों, आप एड्रेस बार पे जैसे ही आप टैप करोगे लेफ्ट या राइट साइड में इस तरीके से स्वाइप करोगे तो दोस्तों आप एक टैप से दूसरे टैप में जा सकते हो, चाहे आप राइट साइड में करें और चाहे आप लेफ्ट साइड में करें। दोस्तों इस तरीके से आप एक टैप से दूसरे टैप में आसानी से जा सकते हो। तो ये भी क्रोम में काफ़ी अच्छी ट्रिक है दोस्तों। इसके बाद आप लास्ट जो ट्रिक है वो शायद बहुत सारे यूजर जानते हैं, आपको जो है थ्री आइकन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको शेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, आप प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। इसके बाद दोस्तों आप किसी भी वेब पेज को आप पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको पीडीएफ फाइल के डाउनलोड आइकन पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आप सेव करके पीडीएफ फाइल में भी जो है किसी भी वेब पेज को आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है क्रोम ब्राउज़र में। तो दोस्तों इसके लिए मैंने जो है इसके ऊपर डिटेल्ड एक आर्टिकल भी लिखा है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करके इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हो क्रोम ब्राउज़र की जो मैंने 7 ट्रिक बताई हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें अगर अच्छा लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।